जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत में टीवी के दुनिया में क्रांति लाने वाले जी कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा के बारे में। सुभाष को व्यापार करने का ऐसा नशा था कि उन्होंने अपने पढ़ाई तक को छोड़ दिया और महज 19 साल की उम्र में ही, जब बच्चे ठीक से ये नहीं सोच पाते हैं कि मुझे करना क्या है, उन्होंने अपना कंपनी बना डाला। तो चलिए दोस्तों, सुभाष के सफ़र को हम शुरू से जानते हैं। सुभाष का जन्म आज से करीब 70 साल पहले 30 नवंबर 1950 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। बचपन से ही सुभाष को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। एक व्यवसायी परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें शुरू से ही अपना व्यापार करने का नशा था। पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगने की वजह से सुभाष के माता पिता काफ़ी चिंतित भी रहा करते थे, लेकिन सुभाष ने भी जिद पकड़ ली थी, करना तो व्यापार ही है। और करीब 19 साल की उम्र में, जब वे 12वीं कक्षा में थे, उन्होंने अपने पढ़ाई तक को छोड़ दिया। वर्ष 1965 में वे अपने परिवार के व्यवसाय को एक कमीशन एजेंट के रूप में संभालने लगे, जो भारतीय खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति करती थी। काम के सिलसिले में सुभाष एक बार एक कंपनी में गए और उन्होंने वहाँ अनाज का पैकेजिंग होते हुए देखा। फिर उन्हें भी कुछ ऐसा ही करने का ख्याल आया और 1981 के दशक में वे एक पैकेजिंग कंपनी की नींव रखे, जो कि टूथपेस्ट और अन्य लचीली पदार्थों के लिए प्लास्टिक ट्यूब की पैकेजिंग करती थी। और धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता चला गया और साथ में बाजार में हमेशा कुछ नया करने का सोच भी, जिसकी वजह से वे सफलता के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। और 1992 के दशक में वे पहली बार टीवी के दुनिया में कदम रखे और उन्होंने देखा चैनल्स तो बहुत हैं लेकिन हिंदी भाषा का एक भी नहीं। ये सोचकर सुभाष ने देश का पहला हिंदी भाषा का चैनल जी टीवी को शुरू किया। जी टीवी के सफलता को देखते हुए जी समूह ने एक के बाद एक कई चैनलों को शुरू किया और 2003 में सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सेवा देने वाली जी देश की पहली कंपनी बन गई। दोस्तों, सुभाष के बिजनेस की सफलता का अंदाज़ तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके टीवी चैनलों को 959 मिलियन लोगों के द्वारा देखा जाता है, जिसके चलते चैनल का प्रसारण तकरीबन 169 देशों में किया जा रहा है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। और अगर हम बात करें सुभाष चंद्रा के प्रमुख व्यवसाय के बारे में, तो इसमें शामिल टेलीविज़न नेटवर्क, एक समाचार पत्र श्रृंखला, केबल सिस्टम, डिश टीवी, ऑनलाइन गेमिंग जैसी व्यवसाय शामिल है। और इसके अलावा सुभाष एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दोस्तों, देखा ना आपने कैसे अपने जिद को पूरा करने के लिए सुभाष एक समय के लिए अपने माता पिता तक के विरोध में चले गए थे और उन्होंने ये साबित कर दिखाया, अगर हम किसी काम को ठान ले तो सफलता अवश्य होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।